दूध कहाँ है? भाभी वो तो मैंने पी लिया, दवाई खानी थी ना। एक्चुअली बाबा रात को दूध लेकर ही नहीं आए। फरा तुम्हें पता है कि सुबह उठकर अरसलान को चाय चाहिए होती है। अगर अरसलान एक दिन सुबह चाय नहीं पिएगा तो उसका कोई काम रुकेगा नहीं। मगर अम्मी आपको भी तो पता है ना कि अगर अरसलान को सुबह के वक्त चाय ना मिले तो उनका मूड खराब हो जाता है। उसके मूड से ज्यादा ना हमें फरा की सेहत का ख्याल रखना है, ये हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। और फरा तुम्हें मैं कितनी बार मना कर चुकी हूँ कि किचन में ना आया करो, मगर तुम नहीं सुनती हो। मैं भी शहरा, चलो बाहर निकलो। अम्मी बस बन गया। फरा बाबर से बोलो दूध ला कर दे, मुझे अरसलान के लिए चाय बनानी है। भाभी वो तो अभी तक सो रहे हैं, उठे नहीं। तो बेटा अरसलान से कह दो, वो ले आएगा। तुमने सुना नहीं, चलो बाहर आओ। हर वक्त किचन में घुसी रहती हो, तबीयत तो देखो अपनी कैसी हो रही है। मना करती हूँ मगर फिर भी किचन में घुसी रहती है, पता नहीं क्यों। अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ। ये क्या है? क्या है? चाय है और क्या है? वो तो मुझे भी नजर आ रहा चाय है, इसमें दूध कहाँ है? खत्म हो गया। अगर खत्म हो गया तो मुझे रात में कह देती, मैं लेके आ जाता। वैसे एक बात बताऊं, रात को मैंने दूध रखा था सुबह की आपकी चाय के लिए, मगर वो जो आपकी भावज है ना फरा साहिबा, वो पी गई, क्योंकि इस वक्त उनको दूध की ज्यादा जरूरत है बकौल आपकी अम्मा के। अच्छा ठीक है, बाबर ले आएगा। बाबर वो तो सो रहे, वो नवाब साहब तो जब सोकर उठते हैं जब डाइनिंग टेबल बिल्कुल सज जाती है। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आ जाता हूँ। क्यों, हर काम आप ही क्यों? घर में और कोई नहीं है काम करने के लिए? सुबह सुबह कड़वी चाय मुझे पिलाइए और कड़वा तुम्हारी जबान पर है। बस भाई के बारे में कुछ ना को, बहन के बारे में कुछ ना को, अम्मा को कुछ ना को, सब कुछ बीवी को सुना देना। उस आदमी को तो कुछ नजर ही नहीं आता है। बेटा याहिया नजर नहीं आ रहा है? अबू वो तो नाश्ता करके सो गया। बाप पर गया है बिल्कुल। फरा और ना बेटा देखो अपना खाने पीने का खास ख्याल रखा करो, अभी तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं कि तुम भूखे रहो। अम्मी इतना तो उसने अपना ख्याल रखा हुआ है, और कितना ख्याल रखे? हाँ भाभी वो असल में फरा जो कुछ खाती है तो बेबी सब कुछ खा जाता है। हाँ कह तो तुम ठीक ही रहे हो। भाई वो ऑफिस जाते हुए मुझे ड्रॉप कर देंगे? क्यों, तुमने अपनी बाइक नहीं बनवाई? बनवाई तो है भाई, लेकिन वो पेट्रोल खत्म हो गया था। बाबर पेट्रोल के पैसे तो तुम बचा ही रहे हो, तो क्यों ना गाड़ी ही खरीद लो। आपकी जुबान मुबारक हो भाभी, इंशाल्लाह। अरसलान बेटा बिल वगैरह आ गए हैं, वो भी अदा कर देना। जी अबू। बाबर जल्दी नाश्ता करो, लेट हो रहे हैं। बेटा अल्लाह हाफिज। अल्लाह ख्याल से जाना बेटा, ख्याल से जाना। अच्छा जितना बेटा। महविश बेटा दोपहर का खाना तुम बना लेना, आज फरा की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। अम्मी ये बात बोलने की जरूरत तो वैसे नहीं थी, रोजाना भी मैं ही बनाती हूँ, अभी भी बना लूंगी। अम्मी ऐसी कोई बात नहीं है, इतनी तबीयत नहीं खराब, मैं बना लेती हूँ। अरे नहीं बेटा तुम जाकर आराम करो, महविश और उनकी अम्मी है ना देख लेंगे। फरा याया सो रहा है ना, तुम भी जाके सो जाओ। तो अब वो राशन की लिस्ट में ना मेरी मेडिसिन ऐड कर ले, खत्म होने वाली है। ठीक है बेटा, देखता हूँ। ये मेडिसिन ले ली मैंने? हाँ आज की दवा लिखी है। हाँ। बेटा आराम से। और कुछ रहेगा? नहीं मेरे घर में हो गई सारी चीजें। देखें इस स्टोरी में हम एक वाजे तौर पे फ्रस्ट्रेशन देख सकते हैं, और वो ये है
कि एक जो घर की बहू है उसके यहाँ औलाद है, दूसरी होने वाली है, और जो बड़ी है उसके घर में कोई औलाद नहीं है। तो ये जो फ्रस्ट्रेशन होता है, ये जो इनसिक्योरिटी होती है, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा खदशात पैदा होते हैं। और फिर उन खदशात को दूर करने के इंसान अपने तौर पे बहुत सारे एक्शंस लेता है जो कि बहुत सी दफ़ा नेगेटिव होते हैं। और उस औरत का एक्शन क्या था कि वो अपने शौहर को कहती है कि आप क्यों खर्चे उठाते हैं, और इस तरह की बहुत सारी बातें करती है। तो होना ये चाहिए कि घर के जो बड़े होते हैं, जैसे सास ससुर हैं, तो सास को ये चाहिए कि दोनों बहुओं को सही तरीके से लेके चले। अगर एक बहू काम नहीं कर रही या नहीं करवा रही उससे, तो जो दूसरी बहू काम कर रही है उसको थोड़ा सा अप्रिशिएट किया जाए, उसकी थोड़ा सा काउंसलिंग भी की जाए, उसको थोड़ा सा अपने साथ लेके चला जाए, जहनी हम आहंगी कायम की जाए, ताकि वो आइसोलेशन में ना जाए, इनसिक्योरिटी फील ना करे, इन्फीरियर फील ना करे, कमतरी महसूस ना करे, अपने आप को नौकरानी महसूस ना करे, बल्कि ये सोचे कि वो ये जो सब कर रही है ये घर का बड़ा होने के नाते करे। यानी उसको ये एहसास दिलाया जाए कि तुम घर की बड़ी हो, तुम पे जिम्मेदारी है, तुम माँ की जगह हो। यानी इस तरह की बातें करके मोटिवेट किया जाए, थोड़ा सा इंस्पायर किया जाए, ताकि वो ओन करे उस घर को और दिल से उस चीज़ को करने पर राजी हो। क्या बात है, घर में इतनी खामोशी, इतना अंधेरा, कहाँ है सब? आपके लाडले भाई को तनख्वाह मिली है, उसको उड़ाने के लिए गए हैं वो अपनी बेगम को लेकर। तो अच्छी बात है भाई, बीवी उसकी जा सकता है? बीवी तो मैं भी हूँ आपकी, मुझे तो आप कभी कहीं नहीं लेकर जाते। महवेश क्या हो गया है तुम्हें? अरे वो प्रेगनेंसी की हालत में है, उसकी तबीयत खराब होती होगी, काम काज से थक जाती होगी, अगर बाहर जाके फ्रेश हो जाती है तो क्या बुराई है इसमें, बोलो। कौन सा काम, कैसा काम, घर के सारे काम मैं करती हूँ, उसे तो सिर्फ बहाना चाहिए कि मेरी तबीयत खराब है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। तुम थकती नहीं हो? इंसान हूँ, मशीन नहीं, मैं भी थकती हूँ, मगर मेरा यहाँ किसी को एहसास और ख्याल हो तो बात करूँ ना। मैं घर के कामों की बात नहीं कर रहा हूँ, तुम्हारी नेगेटिव सोच और तुम्हारी बातों की, इनसे तुम थकती नहीं हो? ये क्या है? अच्छा तो अब बात नहीं करोगी, पेपर पर लिख के दोगी, चलो अच्छी बात है, वरना मेरे भी सर में दर्द हो जाता। घर के राशन की लिस्ट, ये क्या, इसमें फराह की दवाई लिखी है, तो मुझे मैसेज करके बता नहीं सकती थी कि मैं लेके आ जाता? क्यों लेकर आएंगे आप? हाँ क्यों लेकर आएंगे आप? घर के सारे कामों की जिम्मेदारी मेरे ऊपर, घर के सारे अखराजात आपके ऊपर, उसकी बीवी है ना, वो अपनी बीवी की दवाई भी नहीं ला सकता। बिल है तो आप जमा करवाएं, राशन है तो आप लाएं, अब उसकी बीवी की दवाइयां भी आप लाएंगे, डिलीवरी भी आप ही करवा दीजिएगा। तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया, किस तरह की बात कर रही हो तुम? दो पल सुकून का सांस नहीं लेने देना मुझे, जिंदगी अजाब बना दी है। सच बोलो तो उनको बुरा लग जाता है। ये कैसी बात कर रहे हैं आप, कुछ कहा है उसने? उसने कहा तो कुछ नहीं, लेकिन हमने उस पर बोझ कुछ ज्यादा ही डाल दिया है। कैसा बोझ, आप साफ साफ कहें ना, कहना क्या चाहते हैं? आओ बेटा बैठो। वो महवेश आपसे कुछ कहना चाह रही है। अब्बू मैंने जो भी कुछ कहा उसके लिए मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। क्या कहा है तुमने? मैं पूछ रही हूँ क्या कहा तुमने, कोई कुछ बोलेगा या ऐसे चुप रहेंगे? अब्बू मैंने सिर्फ इतना ही कहा है ना कि बाबर को भी घर के खर्चों में हाथ बटाना चाहिए, और ऐसा कह के मैंने कोई जुर्म नहीं किया। ये कैसी बातें कर रही हो महवेश,
अभी बाबर को सिर्फ 6 महीने ही तो हुए जॉब पे लगे हुए, आहिस्ता आहिस्ता ही सब कुछ ठीक होता है ना। अम्मी ये बात तो आप लोगों को पहले सोचनी चाहिए थी ना कि जब उसकी नौकरी नहीं थी तो शादी नहीं करते, पहले उसका खर्चा उठाओ, फिर उसकी बीवी का खर्चा उठाओ, अब उसके बच्चों का खर्चा उठाओ, और सारी जिम्मेदारी तो हम लोगों पर है ना। तुम तो यहां माफी मांगने आई थी ना। महवेश ठीक कह रही है। अबू ये रात बहुत हो गई है, जाकर सो जाओ, इस मसले पर सुबह बात होगी। बड़े भाई की जो बीवी है वो अपने शोहर को इन्फ्लुएंस करती है कि तुम क्यों खर्च कर रहे हो, ये सरासर एक तंग नजरी है और मेंटल मैच्योरिटी का ना होना है। अगर जहनी हम आहंगी हो, वो बीवी अपने शोहर के दिमाग के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करती तो कभी भी इस तरह की बात नहीं करती, जबकि वो आदमी जो है वो खुले दिल का शख्स है और वो सही तरीके से लेके चल रहा है, लेकिन बीवी जो है वो जहर घोलती है उसके कानों में। भेद। बेटा तुम भी बैठ जाओ। अरसलान, बाबर, मुझे तुम लोगों से कोई बात करनी है। जी अबू। बेटा अब इस घर के खर्च के 3 हिस्से होंगे, एक अरसलान देगा, एक बाबर और एक हम देंगे। बाबा आप अचानक से ऐसी बात क्यों कह रहे हैं? इस घर के निजाम को बेहतर करने के लिए। बाबा आप ठीक कह रहे हैं लेकिन मुझे कुछ वक्त दरकार है बेहतर होने में। बेटा हालात और वक्त इंसान को खुद बदलने पड़ते हैं इससे पहले के रिश्ते बदल जाएं। अबू ऐसा नहीं है, और आप हिस्सा कहां से देंगे? बाबर के भी सेटल होने में कुछ वक्त लगेगा। क्या हो गया है आपको? अबू बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और ये अभी नहीं बदलेगा तो फिर कब बदलेगा? तुम बीच में मत बोलो। महवेश ठीक कह रही है, और रही बात मेरी, अल्लाह का कर्म है, पेंशन आती है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। बाबा सही कह रहे हैं लेकिन बाबा थोड़ा वक्त दरकार है मुझे, और बाबा सब कुछ ठीक तो चल रहा है। नहीं बेटा, एक इंसान पर सबका बोझ डालना बहुत बड़ी ज्यादती है। हमने जो फैसला लिया है मैं उस पर अटल हूँ, और मैं समझती हूँ कि हमारे इस फैसले से किसी को एतराज ना ही हो तो बेहतर है। होना हो ये सब महवेश भाभी का किया धरा है, उनकी आंखों में हमारी खुशियां खटकती हैं। महवेश भाभी पहले तो ऐसी ना थी। वो पहले से ही ऐसी हैं, जब से मैं इस घर में शादी होकर आई हूँ उनका बिहेवियर अजीब सा है, और जब से याया पैदा हुआ है और भी चिड़चिड़ी हो गई है। यार मैं भी तो यही कह रहा हूँ, महवेश भाभी मेरी शादी से पहले ऐसी नहीं थी। तो आपके कहने का क्या मतलब है? मेरी वजह से वैसी हो गई है, सही है? फिर अब्बू के इस फैसले की वजह भी मैं ही होंगी। यार ये मैं नहीं जानता, लेकिन बाबा ने इतना बड़ा फैसला किया है, इसकी कुछ ना कुछ तो वजह जरूर होगी। महवेश भाभी है इसकी वजह, आपने देखा नहीं कितनी खुश थी वो? पता नहीं सब ठीक कैसे होगा। अल्लाह ठीक करेगा सब बेगम, क्यों परेशान होती हो? आपको अरसलान को समझाना चाहिए था ना, ताकि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया। तो तुम्हें मेरे फैसले पर एतराज है? मैं कौन होती हूँ एतराज करने वाली, लेकिन आप अगर ये भी कह देते ना कि हम घर बेटों के नाम करके चले जाते हैं तो मैं आपके पीछे चल पड़ती। तो फिर गिला किस बात का है बेगम? गिला नहीं, परेशानी है। बाबर ये सारा बोझ कैसे उठाएगा? फरा की डिलीवरी, दवाइयों का खर्चा, मेरा बच्चा तो परेशान हो जाएगा। अरे बेगम तुम्हारा बच्चा एक बच्चे का बाप है, वो अपनी जिम्मेदारियां समझता भी है और निभाना भी जानता है, और रही बात अरसलान की तो उसने कभी कुछ नहीं कहा, मुस्कुरा कर अपनी जिम्मेदारियां निभाई है। और अगर महवेश को प्रॉब्लम है तो वो भी अपनी जगह पे सही है। कैसे सही है? हमारे जीते जीते उसने बंटवारा कर दिया। बेगम बंटवारा उसे कहते हैं जो घरों के बीच दीवार खड़ी कर दे, या तो सिर्फ
जिम्मेदारियां बांटने की कोशिश की गई है, और मैंने महविश की बात का मान इसलिए रखा है कि वो कहीं खुद को हमारे बीच अकेला ना समझे। घर का ना सही, रिश्तों का तो बंटवारा कर दिया ना। बाप ने फैसला किया कि जनाब दोनों को अलग कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही फैसला किया, क्योंकि अगर वो उसी तरह से चलने देते तो बाद में आगे जाके वो चीज़ें लड़ाई झगड़े तक भी पहुँच सकती थी। आपस में फेस टू फेस फिर वो लड़ाई होती तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं होता। तो बड़े होने के नाते उन्होंने बिल्कुल सही फैसला किया कि वक्त पर चीज़ों को हैंडल किया और सही तरीके से दोनों को सेपरेट कर दिया। अब उस आदमी के इस फैसले की वजह से कि दोनों को अलग कर दिया, तो वो औरत ये सोचती है कि मैं जीत गई, लेकिन जीत या हार किसी को नहीं पता होता, ये वक्त बताता है कि कौन जीता और कौन हारा। उसकी ये सोच कि मैं जीत गई, उसकी नेगेटिव अगेन उसकी नेगेटिव थिंकिंग की अकासी है। पहले वो नेगेटिव एक्शंस करती रही, नेगेटिव थिंकिंग में मुलविस रही, और बाद में फिर अपने उस नेगेटिव एक्शंस को ही वो ये सोचती है कि मैं जीत गई, जो कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। दरअसल कहीं पे भी कोई इस तरह का एक्शन होना, सेपरेशन होना, अलग अलग किचन कर दिया जाना, ये तो हार है, ये तो हार है उस फैमिली सिस्टम की, ये तो हार है हमारे रिश्तों को साथ सही तरीके से ना लेके चल सकने की, ये तो हार है कि हम सही तरीके से अपना हक अदा नहीं कर सके। कर लीजिए। ये तुम नाश्ता रूम में क्यों लेकर आ गई? इसलिए कि मैं नहीं चाहती वो लोग देखें कि हम क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं। तुम पागल खत्म तो नहीं हो गई हो? हाँ, खुशी से। अब देखती हूँ ना कैसे अपना खर्चा पूरा करते हैं, कैसे खाते हैं और कैसे पीते हैं, और कहाँ से दवा दारू आती है। तुम इस खुशफहमी में क्यों हो कि वो तुमसे अच्छा नहीं खा सकते? जाहिर सी बात है, बाबर की आमदनी इतनी है नहीं और अखराजात बहुत ज्यादा। और रही बात अब्बू की पेंशन की, तो वो कितनी आती है ढकी छुपी नहीं है ये बात। महविश, इतना घमंड अच्छा नहीं है, कहीं ऐसा ना कि तुम खुद मुंह के बल जागे रहो। ओहो, वो तो जबकि जब देखी जाएगी ना। अभी तो नाश्ता कर रहे हैं आप मेरे साथ। नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नाश्ता नहीं करना। और तुमने तो मुझे इस काबिल भी नहीं छोड़ा कि मैं अपने घर वालों के साथ नाश्ता कर सकूं। आज तो बहुत दर्द हो रहा है मेरे पैरों में। फिक्र का मत किया करो ना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अभी माँ पे बड़ा प्यार आ रहा है। जी बाबा। मम्मा, एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वो क्या बेटा? मामा, मेरी प्रमोशन हो गई और मेरी सैलरी भी डबल हो गई है। माशाल्लाह, या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मेरा बच्चा अपने मसले खुद हल करेगा, किसी सहारे की जरूरत नहीं है अब तुम्हें। मामा, सहारा नहीं, साथ की जरूरत है। जब से भाई का साथ खत्म हुआ है, मैं बिल्कुल बिखर सा गया हूँ। एक महीना हो गया है, पूरा घर बिखरा बिखरा नजर आता है। अल्लाह पर भरोसा रखो बेटा, जिसने अब अच्छा किया आइंदा भी अच्छा ही करेगा इंशाल्लाह। अच्छा, अब इस खुशी के मौके पे मिठाई तो खिला ला के। मिठाई नहीं मामा, मम्मा दावत दूंगा अच्छी सी आप लोगों को, होटल में लेके जाऊंगा, बेहतरीन हम लोग खाना खाएंगे वहाँ पे। बिल्कुल इंशाल्लाह। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा ऐसे ही खुश रखना। अरे भाई, शुक्र है अल्लाह का, काफी दिनों के बाद तुम्हारी माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आई है। अच्छा, अब तू जल्दी से जा, फ्रेश हो जा, मैं खाना लगवाती हूँ। जी मम्मा। अपना तामझाम, घर के तीन हिस्से क्या हुए? साहबजादे की प्रमोशन हो गई, उससे पहले पैसे नहीं निकलते थे, और आज पार्टियां दी जा रही हैं, क्रेडिट दी जा रही है। मुझे लगता है कि कहीं दो नंबर काम कर रहा है, वरना सात महीने में किसी की प्रमोशन हो जाए, ऐसा तो हो नहीं सकता।
जरूर दाल में कुछ काला है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, कुछ सुन रहे हैं आप? महवेश साहिबा, अरे भाई बिल आए हैं, उनका हिसाब किताब लगा रहा हूँ। अरे वाह, अब मजा आएगा देखना कैसे होता है इनका बाहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल। क्या हिसाब बना मुझे भी तो बताएं। देखो राशन तो अपना खुद लेकर आते हैं, वो बच्चे के पैंपर्स, दवा वगैरह, ये सब छोड़ें, बिल क्या बना, बिल वो बताएं। देखो लैपटॉप मैं यूज करता हूँ, वो नेट जो है हम दोनों यूज करते हैं, और एसी भी हमारे कमरे में लगा हुआ है। हाँ फ्रिज में उनका थोड़ा बहुत हिस्सा बनता है। ये सब छोड़ें, बिल का बताएं उसका क्या बना। ये देखो 7,500 का बिल आया है, तुम्हें काम करना उनसे 300 नहीं बल्कि 500 का ले लेना, 7,000 हमारे से आ जाएंगे। तो बचा है क्या? बचा ना, ये बच्चे के पैंपर्स, दूध, दवा वगैरह। देखो ना अगर हमारे भी बच्चा होता तो ये खर्चा होता ना, शायद अल्लाह ने हमें इसीलिए औलाद नहीं दी ताकि हमारा खर्चा बच जाए। महविश अब तुम बैठकर हिसाब लगाओ कि तुमने क्या बचाया। मैं जहां से देख रहा हूं ना वहां से तो तुमने सिर्फ गंवाया ही गंवाया है, अपनों का साथ और अपनी इज्जत। अरे भाभी ये क्या, अभी तक आप तैयार ही नहीं हुई। अरे ऐसे क्या देख रही है, चलना नहीं है क्या? कहा आपको अरसलान भाई ने बताया नहीं, हम सब डिनर पे जा रहे हैं आज। मुझे नहीं पता। ले भाई तो खुद बाहर से आ रहे हैं। अरे भाई चलना नहीं क्या, जल्दी से रेडी हो ना। नहीं बाबर तुम लोग जाओ, हम लोग नहीं जा रहे। क्यों बेटा, अपने भाई की नई जॉब की खुशी में उसके साथ चलना नहीं चाहते? अम्मी जान मैं तो हमेशा अपने भाई के साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन शायद मेरी बीवी को मेरे अपनों की खुशियाँ पसंद नहीं। लेकिन क्या करूँ, मैं इसे भी छोड़ नहीं सकता, इसीलिए मैंने इसे बताया नहीं। बेटा जो हो गया सो हो गया, लेकिन ये खुशी का मौका है और खुशी अपनों के बगैर अधूरी रहती है। जानता हूं अब्बा जान, लेकिन सच तो यह है कि मैं आप लोगों से नजरें नहीं मिला सकता। अम्मी जान की आंखों में शिकायतें, आपकी आंखों में बेबसी, बाबर की आंखों में ना उम्मीदें, मैं सबसे नजरें चुपाता हूं, सबसे नजरें चुरा रहा हूं अब्बा जान, सिर्फ इस औरत की वजह से। अरे तुम्हारे अपने तो बहन भाई है नहीं, तुम तो किसी रिश्ते की डोरी से बंधी नहीं, तुम क्या समझोगी, क्या जानोगी रिश्तों को। मुझे आपको माफ कर दे, मैंने जाने अनजाने आप सबको बहुत दिल दुखाया। अब्बू मुझे आप बताए ना मेरा कसूर क्या था, जो कुछ सरा के पास है वो मेरे पास नहीं, उस पर अम्मी का हर वक्त फरा का ख्याल रखना मेरे अंदर हसद और एहसास से महरूमी पैदा कर गया। मैं मानती हूँ मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, खासकर फरा मैंने तुम्हारे साथ बहुत बेइंसाफी की है, लेकिन यकीन जाने मुझसे कब कैसे ये सब कुछ हो गया मुझे नहीं पता, मुझे माफ कर दे। बाबा मुझसे हमेशा कहते हैं आप उनकी भाभी नहीं है बल्कि उनकी माँ है, और ये भी तो आप ही का बेटा है, आप ऐसा क्यों सोचती हैं? पता है इसने आपको कितना मिस किया। मुझे आप सब लोग माफ कर दें, मैंने जाने अनजाने आप सबका बहुत बार दिल दुखाया,
हद्दू आप जो भी सजा मुझे देंगे ना मुझे कबूल है। बेटा तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया ये बहुत है, और तुमने सजा तो पा ली अकेले रहकर। अच्छा महविश अब जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। लेकिन दावत के जो बिल होगा उसके तीन हिस्से होंगे। तो बाप ही नकल उतारेगा है? एक इंसान की नेचर यह है कि जब तक वो एक्सपीरियंस नहीं करता किसी भी चीज को, जब तक उसको परसू करने से बाज नहीं आता, वो चीज करता रहता है, चाहे वो गलत हो, लोग बताते रहें कि ये गलत है, लेकिन फिर भी वो उस चीज को कंटिन्यू करेगा, जैसा कि हम इस ड्रामे में भी देख सकते हैं। तो रिस्क की तकसीम अल्लाह ताला ने अपने पास रखी हुई है। इंसान ये सोचता है कि हम किसी को मोहताज बना देंगे, उसका रिस्क कम था उस वक्त तक जब तक उसका भाई उसको सपोर्ट कर रहा था। जब सपोर्ट बंद हुई यानी एक दरवाज़ा बंद हुआ तो अल्लाह ताला ने उससे बड़ा दरवाज़ा खोल दिया, वो फाइनेंशियली स्टेबल हो गया, अपने पाँव पर खड़ा हो गया, दूसरे लोगों को भी अब वो सपोर्ट करने के काबिल हो गया। नतीजतन जब उस औरत के वो मजमूम मकासद पूरे नहीं हुए कि वो सोच रही थी ये नेल डाउन हो जाएंगे और कुछ नहीं कर सकेंगे, तो उसको शर्मिंदगी का एहसास होता है क्योंकि उसके तो ये सारी चीज़ें ही नेगेटिव थिंकिंग की वजह से थी, और वो दोबारा से फिर ये सोचती है कि माजरत की जाए और वो इस तरह का आगे सिलसिला चलता है। तो दर हकीकत बात ये है कि अल्लाह ताला ने अगर आपका देने वाला हाथ रखा है तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं होती, ये अल्लाह ताला का फजल होता है कि अल्लाह ताला किसी इंसान के साथ ऐसे मामलात रखे कि वो दूसरों को सपोर्ट कर सके, दूसरों को दे सके। तो अपने इस अमल को जारी रखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए।